मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, लेकिन मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पेड़ होते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका पटेल। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की वजह से सारे क्षेत्र बंद थे, जैसे कि यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ बंद था। लेकिन ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ऐसा ही मेरा एक स्टूडेंट है, अविराज सिंह वाला, उस पर मुझे गर्व है क्योंकि इस विपत्त काल को उसने अवसर में बदल डाला है। लॉकडाउन में अविराज ने शिक्षण गीता शिक्षण गंगा नाम की एक यूनिक और अद्भुत पुस्तक लिखी, जो अभी तक के पुस्तकों के इतिहास में शायद ही यह पहली ऐसी पुस्तक होगी जो हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, यानी कि आगे की साइड से भी पढ़ सकते हैं और पीछे की साइड से भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। मुझे विश्वास है कि अविराज की इस पुस्तक को भारत में सभी शिक्षकगण सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि इस पुस्तक में अविराज सिंह ने बहुत ऊंची बातें लिखी है कि भगवान, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कैसे पढ़ाया और आज के शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना चाहिए, यह बातें शिक्षण गीता में लिखी है। और वेदों ने जिनको हजारों सालों पहले तीनों भुवन के गुरु माना, ऐसे भगवान शिव शंकर में जो एक शिक्षक के जो भी गुण हैं उनको शिक्षण गंगा में बताया गया है। अविराज की शिक्षण गीता शिक्षण गंगा नाम की पुस्तक की यात्रा की शुरुआत से अंत तक की मैं साक्षी रही हूँ। उन्होंने इस पुस्तक को बनाने में बहुत मेहनत की। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसी अंतिम बात के साथ मैं इतना ही कहूँगी कि आज के जो शिक्षक हैं वे और भविष्य में जो शिक्षक बनना चाहते हैं वे अविराज सिंह वाला की इस शिक्षण गंगा शिक्षण गीता नाम की पुस्तक को जरूर एक बार पढ़ें। इसी के साथ अविराज सिंह वाला को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। Thank you.